जय माता दी। कैसे हो आप सभी? स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। अच्छा, आज की जो वीडियो है ना, थोड़ी मतलब ऐसे बनी थी बीच बीच में से कट कट करके, क्योंकि जब भी मैं कहीं जाती हूँ ना, मैं ये नहीं कि कैमरा पकड़ा हुआ है और गले लगते हुए ये करते हुए, हाँ बाद में फिर थोड़ा ये बन जाता है कि हाँ हम बना रहे हैं या अगला बंदा जो है वो कम्फर्टेबल है कैमरे में आने के लिए, फिर मैं बना देती हूँ, लेकिन शुरू में नहीं बनाती। तो अभी मैंने वहाँ से शुरू किया, जब हम पहुँच गए थे वहाँ पे गले गुले मिल लिए थे अच्छी तरह से, पानी भी पी लिया था हमने। बहुत अच्छे लोग हैं अंकल आंटी, बहुत मतलब बहुत अच्छे हैं, सच्ची में बहुत अच्छे हैं। और वो शुरुआत में मैं बताऊँगी, और घर का टूर है जो कि मैं आप लोगों को कल दूँगी, पूरे उनके घर का वीडियो बनाया हमने, उन्होंने बोला बनाने को तो बनाया। ऐसे मैं नहीं बनाती, और इतना प्यार मिला, इतना सभी उनके अंदर इको नहीं है, इतना सभी वो नहीं है, वो चीज़ मुझे बिल्कुल नहीं लगी। और बस भगवान से मेरी प्रार्थना है, आप सब लोग भी भगवान से प्लीज़ प्रार्थना करना उन सब की अच्छी सेहत के लिए, भगवान का दिया हुआ सब कुछ है उनके पास, बस स्वस्थ रहें। कुछ लोग बोलते हैं भगवान सब को होता है, दुआओं की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन मैं मानती हूँ उस चीज़ को कि दुआओं में बहुत ज़्यादा ताकत होती है, दुआओं में बहुत ज़्यादा पावर होती है। तो प्लीज़ आप सब लोग दुआ करना। अंकल आंटी बहुत अच्छे हैं, उनकी बेटी हैं, बिल्ला भाई हैं वहाँ पर, और वो आंटी की बहन का लड़का, सब लोग ना ऐसे खड़े खड़े रहे बिल्कुल ना। तो चलो वीडियो की शुरुआत करते हैं। हम सीधा पहुंच गए हैं हम उनके घर, घर शंकर। तो चलो मनाली काजा लाहौल स्पीति और केलांग सारे घूम, बहुत हिमाचल नहीं बहुत बढ़िया जगह देखने के लिए, नहीं बहुत अच्छी अच्छी जगह है। ऐसे अजीब जैसे लगता है आप जैसे आप किन्नौर चल जाएंगे ना, कोरी की साइड पहले बेटा मैं तू बना उधर दरवाजे थे ना, जगह आ गए आप सारे आ जा रहे हैं। ठीक है, धरती नहीं गई और दूसरा के ऊपर अजीब जैसे आ रहे। हाँ जी हाँ जी। तो अभी हम लोग चाय पी रहे हैं, मेरी भी बोलती बंद हो गई सब, मैं इतना बोलती हूँ आज मेरे से भी शब्द नहीं निकल रहे। तो चाय पी रहे हैं, अभी हम पहुंचे ही हैं। तो फिर मैंने बोला वीडियो बाद में, पहले बातचीत कर लेते हैं, जिस काम के लिए आते हैं वीडियो बात का काम होता है, तो बाद में मिलते हैं आप लोगों से। अंकल जी हाँ तो कर दो उधर, आंटी आप भी कर दो उधर, किरण दीदी बैठे उन्हें देख रहे पक्का। आ जा ये मेरे अंकल जी है जिनके लिए मैं यहाँ इतने दूर तक आई हूँ, इतने दूर तक पहुंची हूँ। बहुत अच्छे हैं, बहुत प्यार मिला मुझे। एक तो ये सेवा ही इतनी करते हैं, पता नहीं सारे पंजाब के करते हैं, अंकल जी ने तो कुछ ज्यादा ही करी, इतना मुझे खाया नहीं जाता। तो बस इनके मैंने सारा घर दिखा दिया, और बस फिर शादी होगी इनके बच्चों की तो फिर आएंगे, फिर से आएंगे, उससे पहले भी आएंगे। ठीक है, जय माता दी। इनके लिए बहुत सारी दुआएं करना, स्वस्थ रहें, कनाडा चले जाएंगे कुछ दिन बाद, फिर से आएंगे, बस इनका सफर अच्छा हो और ये स्वस्थ रहे, इनके लिए यही दुआएं है मेरी। आप सभी लोग भी बहुत सारी दुआएं करना। जय माता। हाँ हाँ बाय। ठीक है जी। हाँ। ओके बाय बाय सारे। ये तो खाना खाया, मजा आ गया खाना खाने का, बहुत अच्छी दाल रोटी सब्जी बनी थी, बहुत मजा आया सच्ची में। अब उठाने में लगे हुए मैंने अचार भी नहीं चखा, बहुत से बाकी सबने सब खड़े रहे इस तरह से ना। मेरा पर्स दे अपना ऐसे बैग दे, मुंडक बनाने दे मेरा। अगली बार आएगी राजवीर हमारे घर में, आएगी ना राजवीर, आएगी ना पक्का ना, पक्का आएगी ना पक्का। हाँ प्रॉमिस कर दिया था मैंने भी आंटी से, प्रॉमिस करा था मैंने कहा मैं आऊंगी, और देखो मैंने प्रॉमिस पूरा किया। और रमिंदर भी आएगा, बिल्ला भी आएगा, सारे लोग आएंगे। बिल्ला नाम है तो खतरनाक सा नाम है, लोग शक्ल देखेंगे ना भाई ये तो शरीफ लड़का, ये तो शरीफ लड़का है, बिल्ला तो ऐसे खतरनाक बोलने को है ना। तो मैंने सारे यहाँ पे भी एक हाथ में धोने को, ये देखो तीनों यहाँ पे लगे हुए हैं, तीनों लगे पड़े हैं। ब्रो चाबी
बस माता रानी को प्रणाम सुना है, बस ठीक रहे बच्ची और धन्य है आंटी जिन्होंने मतलब वो गिर जाएगी गिर जाएगी ना यही दांत सुनने का इसका है इसके दांत की बड़ा इधर करी बाजी ठीक है दीदी सत्यकाल फिर आवांगे अरे बच्चा बाहर जा बारिश भी हो गया बारिश लग गई है ना बस आप यही रहो अपनी आप आए ना 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 कोई बात नहीं फोटो बना ले आंटी आ जाओ एक फोटो ले लो जी छोड़ जो कट जा बल्ले भाई घर आ रहे घर भी यहाँ आ रहा है ऐसे ही रहना दूर से लेना पड़ेगा ले लिया थोड़ा सा बाद में खींच लूंगा जा खींचनी होगा फिर मेरे को भेजना ओके भाई ठीक है इन लोगों के ना चेहरे से ही झलकता है कि ये कितने मासूम और कितने शरीफ लोग होंगे और 1978 में चले गए थे अंकल जी बताए कनाडा तो उनके पास दोनों जगह की सिटीजनशिप है दोनों जगह की ठीक है आंटी फिर गई मैं ना बोल रे माय जाने की हेलो फोन देख लेना बैठ जाओ मैं बंद करके फिर पकड़ो तो ये देखिए यहाँ पे जो है हम आ गए थे वापस रात हो गई थी हमें काफ़ी ज़्यादा अंधेरा हो गया था क्योंकि नीचे पंजाब में बहुत ज़्यादा धुंध होती है तो वहाँ पे थोड़ा गाड़ी स्लो चलानी पड़ती है तो मेरा भाई गया था मेरे साथ में हमने उसको गाड़ी में उसकी मतलब तेल फूल करवा दिया था उसकी टैंकी और फिर रास्ते में वो घर तक ही आ गया था मेरे को छोड़ने फिर यहाँ पे कुछ सामान ले रहे थे हनी को शानू तो अम्मा के पास ही है अब मैं घर जाके दिखाऊंगी कि उन लोगों ने मुझे क्या कितना बढ़िया गिफ्ट दिया घर जाने पे और तो काफ़ी ज़्यादा अंधेरा हो गया था अब तो मेरे ख्याल में अपने पहुँच चुके थे हम कि नहीं पहुँचे थे तो चलिए अब घर जाके मिलती हूँ सुबह वीडियो का एंड करते हैं और उन्होंने पहले
मुझे आंटी ने, मैं दिखाती हूँ आप लोगों को, कल आंटी ने मुझे इतना प्यारा सूट दिया। कल फिर मैं मना करती रही, मैंने कहा आंटी प्लीज सब शर्मिंदा ना करो, आप घर जा घर गए थे तो घर दे के आए हो मुझे, ऐसा नहीं है कि कुछ लेने के लिए या कुछ इस तरह से, बस मैंने प्रॉमिस किया था कि वो लोग तीन बार मेरे घर आ चुके थे और फिर मैं एक बार भी नहीं गई थी, तो उन्होंने वो बुला रहे थे बार बार कि आप आते नहीं। मैंने कहा चलो ये काम कभी ख़त्म नहीं होते, तो ये देखो मेरे को ये सूट मिला है, बहुत ही प्यारा है। एक सेकंड मैं आपको इसका ना दुपट्टा भी दिखाती हूँ, रुको। ये देखो ये सूट, ये दुपट्टा है, बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारा सा सूट है। और देखिए उनके प्यार की वैल्यू बहुत है, जो भी कोई देता है चीज़ों की वैल्यू नहीं होती, प्यार की वैल्यू होती है, इज्जत की कदर की वैल्यू होती है जो वो हमें मिलता है। और मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि ऐसे लोग भी मुझे प्यार करेंगे, मुझे नहीं पता, ये माता रानी का आशीर्वाद है। और ये है, और बाकी एक शर्ट है, एक शर्ट है, हनी के पापा को शर्ट दी थी और मेरे भाई को भी, और इनको भी पैसे दिए थे और मुझे भी सूट के ऊपर पैसे भी दिए थे, पैसे भी रखे थे उन्होंने। और तो ये चीज़ मतलब ये मैंने दिखा दिया ऐसे कि मेरे को अंकल आंटी ने ये दिया, बाकी वो तो मतलब मेरे पास शब्द नहीं है उनकी तारीफ़ के लिए, ना मेरे पास शब्द नहीं है कि वो किस तरह के लोग हैं। वो ना वो बिल्कुल डाउन टू अर्थ लोग हैं, बिल्कुल डाउन टू अर्थ, आप देखेंगे कितनी बिल्कुल सिंपल से लोग हैं। और ये देखो किरण दीदी ने कभी सामान भेजा था पहले शुरू में, और तो वो उसको छोड़ने आए थे। मैं अगर आपको शुरू से बता दूँ, मेरा उनसे डायरेक्टली कोई संपर्क नहीं था, डायरेक्टली मेरा किरण दीदी से था। तो वो उनके पड़ोसी थे कनाडा में, तो वो घर आए, किरण दीदी ने उनके पास सामान दिया था पहले जब वो आए थे दो बार, तो उन किरण दीदी ने बोला था कि गढ़शंकर जाके आप पार्सल कर देना मधु को उनके एड्रेस पे हिमाचल में। तो उन्होंने जो है वो पार्सल नहीं करा, उन्होंने वो अपनी गाड़ी लेके इतने दूर से, मैं कल देख रही थी कितना खर्चा हुआ होगा उनका, वहाँ से आए। और बेटी उस तरह की है, बेटी थोड़ी सी उनकी ना बेचारी, पता नहीं वो ऐसी है बचपन से ही ऐसी है, तो उसको छोड़ के अकेले आए वो मेरे पास। तो क्या प्यार था, मतलब कैसा, अब बहुत मानते हैं, अपने बेटी की तरह मानते हैं, सच्ची में बोलते हैं कि तीन बेटी हैं हमारे और एक तू है, एक तू है। ये तो खुला ही है तक ना थे, तो इतने मतलब बहुत बहुत अच्छे हैं। और हम मिठाई ले गए थे, बाकी कल आपको ना पूरा मेरी जैसे कहा मिलेंगी, वाह वाह चली गई थी नहीं जान दे लंबी ये। और ना और कल ना पूरा होम टूर दूंगी मैं वीडियो में, उनके घर का बहुत प्यारा घर बनाया उन्होंने, बस भगवान उनको स्वस्थ रखे। मैं परमात्मा से, मैं माता रानी से ही प्रार्थना करती हूँ कि वो हमेशा स्वस्थ रहें, खुश रहें, भगवान उनको और ज़्यादा बरकत दे, इसी में प्रार्थना करूँगी। आप लोग भी करना, और ये सब माता रानी की कृपा से, आप लोगों के प्यार की वजह से इतने लोग, अब तो वो वीडियो भी देखते हैं तो इतने लोग जानते हैं, तो कितना प्यार करते हैं। थैंक यू सो मच अंकल आंटी जी, और सबका, आप लोगों का आपने बहुत प्यार दिया, और आप सभी लोगों का जो जो भी मुझे देखते हैं जहाँ जहाँ से भी। मुझे रोपड़ भी जाना था अरविंदर दीदी के पास, पर फिर हम बहुत लेट हो गए थे, दीदी के पास फिर कभी जाएंगे क्योंकि वो कनाडा वापस चले जाएंगे, इसलिए उनके पास जल्दी जाना पड़ा। हाँ नहीं। ना पहले किया ही, तो चलो इसी के साथ जय माता दी, राम राम।